गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो है यूपीएस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो है जो पेज नंबर 20 में जो दिया है, आप लोग को जो होमवर्क मिला था उसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल यहाँ पर मैं बताई थी, हु एम आई, है ना, हु एम आई। तो वन नंबर देखिए, आई शो यू व्हाट यू डू ऑन अ कंप्यूटर, आई शो यू व्हाट यू डू ऑन अ कंप्यूटर, है ना। मैं दिखाता हूँ कि आप कंप्यूटर पर क्या करते हो। तो कौन दिखाता है हमें, मॉनिटर, है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का, आई हेल्प यू टाइप नंबर्स एंड लेटर्स, है ना। हम जो हमें जो है लेटर और नंबर टाइप करने में मदद करता है। हम किससे करते हैं टाइप, जो है टाइपिंग किससे करते हैं, कीबोर्ड से। तो क्या आएगा इसमें, कीबोर्ड आएगा, है ना। तो आप लोग जो अपनी बुक पर फिलअप करते जाओगे। थर्ड है आप लोगों का, आई एम कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू मीन्स होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आप लोगों का फोन नंबर, आई एम नाउ अ सब पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे हम पॉइंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, ड्रैग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्या आएगा इसमें, माउस आएगा, है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का फाइव, आई हैव बटन कॉल्ड किस, है ना। बटन कुंजी कहा जाता है। बटन कुंजी कहते हैं, किसको बोलते हैं बटन कुंजी, जहाँ पर बहुत सारे बटन होते हैं, है ना। तो ये बटन कुंजी होता है कीबोर्ड। तो नेक्स्ट पेज नंबर है आप लोगों का 21। तो अभी जो ये सब जो है उसको आप लोग अपनी बुक पर फिलअप कर लेंगे। तो पेज नंबर 21 ओपन करोगे, यूपीएस। यूपी मीन्स होता है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, है ना। एक बार मैं बता देती हूँ यूपीएस क्या करता है ना, कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है यूपीएस। ये है आप लोगों का यूपीएस, है ना। आप लोग पहले भी देख चुके होंगे यूपीएस। यूपीएस ये डिवाइस है, यूपीएस, है ना, जो जो पावर सप्लाई करता है ना। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट इज अ डिवाइस विच कीप्स अ कंप्यूटर रनिंग फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हेन द मेन पावर सोर्स इज गॉन। तो जो यूपीएस है, यूपीएस जो है मतलब जो है बिजली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आपूर्ति करने के लिए जो हमेशा जो है खड़ा रहता है, मतलब पावर सप्लाई के लिए जो हमेशा जो है खड़ा रहता है। मतलब जो है जब बिजली जब चली जाती है तो उस समय जो है बिजली प्रदान कौन करता है हमें, यूपीएस। कौन करता है हमें, यूपीएस जो है क्या करता है, पावर सप्लाई करने का काम करता है। मान लो जैसे हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं ना, जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो उस समय जो लाइट जो है ऑफ हो जाती है, तो उस समय जो है कंप्यूटर को चालू कौन रखता है, यूपीएस। इस प्रकार जो है बिजली की आपूर्ति के लिए कौन खड़ा रहता है, हमेशा जो है यूपीएस जो है खड़ा रहता है। इट इज अ डिवाइस विच कीप्स अ कंप्यूटर रनिंग फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हेन द मेन पावर सोर्स इज गॉन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है, जब हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं ना, तो मान लो जो जिसके जरिए हम वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो उस समय जो है जिसके जरिए जो है कंप्यूटर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन जो है उसके चले जाने पर, इलेक्ट्रिसिटी के चले जाने पर जो है कुछ समय के लिए कंप्यूटर को क्या रखता है, वो चालू रखता है, कुछ समय के लिए चालू रखता है, मतलब जो पावर जो है वो सप्लाई करते रहता है, तो कंप्यूटर जो है चलते रहता है। नेक्स्ट है आप लोगों का डीवीडी सीडी एंड पेन ड्राइव। डीवीडी सीडी एंड पेन ड्राइव, तो ये आप लोगों की सीडी, नेक्स्ट है डीवीडी, फिर नेक्स्ट है पेन ड्राइव। तो आप लोग ये पिक्चर जो है आपके बुक में बना हुआ है, तो आप लोग जो है इसको देख लें, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, है ना। दिस डिवाइसेस आर पोर्टेबल डिवाइस। जो डीवीडी होते हैं, जो सीडी होते हैं और जो पेन ड्राइव होते हैं, वो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। और यहाँ पर जो है जो डीवीडी है, सीडी है, पेन ड्राइव है, यहाँ पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में कर सकते हैं, सीडी में कर सकते हैं, पेन ड्राइव में कर सकते हैं। दे कैन बी अटैच इंसर्टेड इनटू अ कंप्यूटर। दे कैन बी अटैच इंसर्टेड इनटू अ कंप्यूटर, और उसे जो है और उन्हें जो है कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, है ना। जो डीवीडी है, सीडी है, पेन ड्राइव से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। अ सीडी नाउ अस कंपैक्ट डिस्क इज अ सर्कुलर डिस्क। अ सीडी नाउ अस कंपैक्ट डिस्क सर्कुलर डिस्क है ना। जो कंपैक्ट डिस्क होता है वो सर्कुलर डिस्क है। इट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट पिक्चर्स म्यूजिक सॉन्ग्स एंड वीडियो। तो मतलब जो सीडी है,
जो कम्पैक्ट डिस्क जो सर्कुलर डिस्क है उसमें जो है इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स पिक्चर्स म्यूजिक सॉन्ग एंड वीडियोज़, है ना। तो वहाँ पर जो हम लोग जो टेक्स्ट पिक्चर्स म्यूजिक सॉन्ग स्टोर एंड वीडियो जो है स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी विच स्टैंड फॉर डिजिटल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज सिमिलर टू अ सीडी बट कैन स्टोर मोर डाटा देन अ सीडी। जो डीवीडी जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के लिए खड़ा है ना, जो डीवीडी होता है जो जो डिजिटल बहुमुखी वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी है ना डिस्क के लिए खड़ा है, जो जो एक कैसे दिखता है एक सीडी के समान दिखता है, लेकिन जो है ये जो है डीवीडी की अपेक्षा जो हम जो है डीवीडी की अपेक्षा डीवीडी और सीडी है ना, लेकिन जो डीवीडी होता है उसमें जो हम डाटा मतलब जो है कम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो सीडी होता है उसमें जो है डाटा जो हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। अब पेन ड्राइव कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जो पेन ड्राइव होता है ये है आप लोगों का पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव इसमें जो हम लार्ज अमाउंट जो है डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, है ना। और ये जो है किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा ये, यहाँ पर देखिए अ पेन ड्राइव कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टोर कैपेसिटी, है ना। जो पेन ड्राइव होता है उसमें हम जो है लार्ज अमाउंट डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके ये जो है लेकिन ये जो है उनके कैपेसिटी पर उनकी क्षमता पर जो है निर्भर करता है, कैपेसिटी है ना उन पर डिपेंड करता है। अ सीपीयू हैज सीडी डीवीडी ड्राइव वेयर अ सीडी आर डीवीडी कैन बी इंसर्टेड, है ना। एक सीपीयू में अ सीपीयू हैज अ सीडी डीवीडी ड्राइव, है ना। एक सीपीयू में जो है सीडी और डीवीडी ड्राइव होता है, जो सीपीयू होता है ना उसमें सीडी और डीवीडी ड्राइव होता है, और उसमें और वो जो है कैन बी वेयर अ सीडी और डीवीडी कैन बी इंसर्टेड, है ना, कैन बी इंसर्टेड। तो ये जो है एक सीपीयू में एक सीडी डीवीडी ड्राइव होता है जहाँ सीडी या डीवीडी डाली जा सकती है ना, जहाँ पर हम सीडी और डीवीडी को डाल सकते हैं। नेक्स्ट है अ पेन ड्राइव इज अटैच टू अ यूएसबी पोर्ट, जो पेन ड्राइव होता है किससे जुड़ा होता है, यूएसबी पोर्ट से जुड़ा होता है ना। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा, यूएसबी मिस होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, विच इज आल्सो परसेंट ऑन द सीपीयू कैबिनेट, जो सीपीयू कैबिनेट पर रहता है ना, जो सीपीयू कैबिनेट पर मौजूद रहता है, मतलब सीपीयू कैबिनेट पर ये प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए सीपीयू विद अ ओपन डीवीडी ड्राइव यूएसबी पोर्ट एंड यूएसबी बीन अटैच टू, देखो यहाँ पर अटैच हुआ है ना। और ये देखिए सीडी जो जहाँ पर डीवीडी है ना जो सीपीयू में है। नेक्स्ट है आप लोगों का हार्ड डिस्क, अ हार्ड डिस्क इज फाउंड इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू जो हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर पाई जाती है ना, अ हार्ड डिस्क इज फाउंड इनसाइड द सीपीयू, जो हार्ड डिस्क है वो सीपीयू के अंदर जो है पाई जाती है, इट इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट एंड स्टोर ऑल द डाटा इन कंप्यूटर, और जो है ये जो है इनके लिए पाई जाती है, और ये जो है एक इसके लिए जो है एक इट इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू, और सीपीयू में जो इनके लिए फिक्स जगह होता है ना, सीपीयू कैबिनेट एंड स्टोर ऑल द डाटा इन अ कंप्यूटर, और जो सीपीयू कैबिनेट हो जाए उसमें जो हम सभी प्रकार के सीपीयू जो कैबिनेट है और उस कंप्यूटर में जो हम सभी प्रकार के डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, फिक्सड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट एंड स्टोरेज ऑल द डाटा इन कंप्यूटर। तो मतलब जो इट इज फिक्सड इनसाइड द कंप्यूटर, उनके लिए जो एक फिक्स जगह जो रहता है, और जो सीपीयू कैबिनेट है वहाँ पर जो है सभी प्रकार के डाटा जो है हम कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है जो चैप्टर 3 है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर उसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।